सोना कितना सोना है। नमस्कार, R9 TV देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा। त्योहार नजदीक है, फेस्टिवल नजदीक है और ऐसे में हर किसी की डिमांड होती है कि भाई कुछ खरीदा जाए, कुछ शॉपिंग किया जाए। और शॉपिंग में यदि सबसे पहले कुछ दिमाग में आता है तो वो है ज्वेलरी। कार्यक्रम का नाम है सोना कितना सोना है। तो आज आपको इस स्पेशल कार्यक्रम में दिखाएंगे कि मार्केट में गोल्ड की डिमांड कितनी ज्यादा है और गोल्ड की जब भी बात आती है तो भाई यही दिमाग में आता है कि भाई हम कुछ भी खरीदे, कुछ ऐसा खरीदे जिसे हम एक नजर में पसंद कर ले। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस ज्वेलरी शॉप में आपको क्या कुछ ऐसी वैरायटी मिल रही है जो आपके फेस्टिवल को और भी ज्यादा स्पेशल बना सकती है। जी हाँ, सोना कितना सोना है, ये तो हमारे कार्यक्रम का नाम है। पर आजकल का जो फैशन हो गया है, आजकल का जो ट्रेंड हो गया है, लोग गोल्ड से हटकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे नेक में बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस है और आजकल तो गोल्ड के साथ साथ अलग अलग कलर्स के भी चीज़ों की डिमांड हो गई है। आप अपने ड्रेस के मैचिंग के साथ चीज़ों को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन की ज्वेलरी या यूँ कहे नेकपिस जो है वो यहाँ पर मिल रही है। तो ज़रा आप एक बार नजर डालिए कि पहले के फैशन में नहीं हुआ करता था, आजकल फैशन बदला है, ट्रेंड बदला है, लोगों की डिमांड बदली है और उसमें चीजों में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। गोल्ड कलर जो लोग हमेशा प्रेफरेंस देते हैं और आजकल देखा भी गया है, शादी हो, फंक्शन हो, लोग रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड एंड ग्रीन में ये खूबसूरत सा नेक पीस कितना ही सुंदर लग रहा है। शादी हो, वेडिंग हो और वैसे भी फेस्टिवल्स है तो फेस्टिवल में ऐसे नेक पीस जो है आपके फेस्टिवल में जान डाल देंगे और लोग इंतजार भी करते हैं कि भाई त्यौहार आ जाए, फेस्टिवल आ जाए। ऐसे में उनकी जो भी इच्छा होती है, जो भी डिमांड होती है, या मैचिंग ज्वेलरी पहननी है या अपने हिसाब से कुछ भी पहनना है, मार्केट में उनको उनकी अपनी पसंद की चीज़ें मिलती है। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि वैरायटी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आपको चॉइस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको कुछ भी पहनना हो वो मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही सुंदर सा नेक पीस पहना हुआ है, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गोल्ड आजकल पसंद नहीं करते। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गोल्ड का ज़माना चला गया है, पर गोल्ड के साथ साथ लोग पर्ल कहें, मोती कहें, कुंदन में कहें या इस तरीके के जो सेट है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऑप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत खूबसूरत जो पीसेस मेरे सामने लगे हैं, इसके ही लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, टाइम बदला है, ट्रेंड बदला है, गोल्ड तो लोग प्रेफर करते ही करते हैं, पर गोल्ड के साथ साथ जो ये आजकल मार्केट में वैरायटी मिल रही है, कितनी डिमांड है, कितने लोग आते हैं इसकी? बहुत अच्छी डिमांड रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है वो येलो गोल्ड लाइक नहीं करती है, वो स्टोन्स में ड्रेस के अकॉर्डिंग चीज़ें पहनते हैं। ये आपके जो स्टोन्स लगे हुए हैं सिर्फ इमिटेशन स्टोन नहीं है, ये रियल स्टोन्स हैं, ये आपके रियल एमरल्ड, रियल पर्ल गोल्ड के साथ। तो गोल्ड और स्टोन्स दोनों की प्रॉपर विजिबिलिटी है इसके अंदर और एक आपको नया लुक देते हैं, स्टाइलिश बनती है इससे आपकी। और दर्शकों, आप कई बार ऐसा देखते हैं कि लोग ज्वेलरी जब पहनते हैं तो एक हैवी पेंडेंट की रिक्वायरमेंट उनकी रहती है, वो चाहते हैं भले ही पतली सी चेन हो पर पेंडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये हैवी पेंडेंट के साथ ये सेट बेहद ही सुंदर है, बेहद ही प्यारा लग रहा है। आप इसके बारे में कुछ बताइए कि आजकल हैवी पेंडेंट की डिमांड कितनी ज़्यादा है, लोग कितनी ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? आज के डेट में बड़े पेंडेंट और उसके साथ में स्ट्रिंग्स चल रही है, तो ये चीज़ चल रही है। पहले ये चीज़ बनती थी बहुत हैवी वेट में, अब ये इलेक्ट्रोफॉर्मिंग काम चल रहा है तो इसमें ये चीज़ लाइट बन जाती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो आप अपने हिसाब से मार्केट में आके खरीद सकते हैं, चीज़ों को पसंद कर सकते हैं। पेंडेंट की बात हो रही है तो एक आपको ये भी सेट दिखाना चाहूँगी, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है विद ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स। जी आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ ईयर रिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। गोल्ड के साथ साथ जो ये रेड कलर का और ग्रीन कलर का जो कुंदन होता है वो भी बहुत ज़्यादा निखर के आता है। आप क्या कहेंगे, रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है हर ज्वेलरी में देखने को मिलती है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी गणपति जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पेंडेंट है जिसमें ग्रीन और रेड कलर की मोती लगी हुई है, जिसे भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके पास इतनी सारी ज्वेलरीज आते हैं जिसमें रेड एंड ग्रीन की प्रेफरेंस लोगों ने कितनी ज़्यादा दी है, क्या लोग डिमांड करते हैं ये कॉम्बिनेशन? जी, ये रेड और ग्रीन आपके इंडियन कलर है, किसी भी ड्रेस में चलते हैं, इसकी डिमांड मार्केट ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल, और यदि व्हाइट पर्ल में बात करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेट सा ज्वेलरी जो है, ऐसे व्हाइट पर्ल की डिमांड कितनी ज़्यादा है, क्या लोग प्रेफरेंस करते हैं व्हाइट पर्ल को? हाँ जी, व्हाइट पर्ल जो होता है किसी भी एज ग्रुप में कोई भी वेयर कर सकता है,
तो वाइट के अंदर आपको इसमें अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। इसमें हमारे पास एक लॉन्ग माला भी होती है जिसके डिमांड ज़्यादा आती है। इसमें गोल्ड और पर्ल दोनों प्रॉपर विजिबल रहेगा। इसमें आपकी माला है और ये आपकी चेन से स्टाइल में बना हुआ है। वाइट की डिमांड अच्छी है मार्केट में। और सबसे बड़ी चीज़ है एज ग्रुप, तो किसी एज ग्रुप में पहन सकते हैं। अब यंग इसने पहने, ओल्ड इसने पहने, वाइट को लोग लाइक करते हैं। वैसे भी ज्वेलरी कहा जाता है कि आप कभी भी किसी भी एज ग्रुप में पहने बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत निखर के आता है। पर खास बात यह है कि मार्केट में वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल रही है। और खास बात ये भी है क्योंकि फेस्टिवल है, आप मैरिजेस में भी देखेंगे कि घर पर यदि शादी हो, त्यौहार हो, कुछ फंक्शन हो तो आप ज्वेलरी खरीदते ही खरीदते हैं। पर जब फेस्टिवल की बात आती है, जब त्यौहार की बात आती है, तो मार्केट में जो वैरायटी है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो आपने देखा एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने सारे ऑप्शन है जो आपको मार्केट में मिल रहे हैं। बैंगल्स एक ऐसी चीज जो मुझे लगता है कि किसी भी उम्र की लेडीज क्यों ना हो उसे पहनना पसंद करती है, कैरी करना पसंद करती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे हाथ में एक सिंगल कंगन है जो बेहद ही खूबसूरत कलर का है क्योंकि ये मेरा मैचिंग कलर है और बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल डिजाइन में है। तो आप जरा देखिए कि आप किसी भी उम्र के हो, आप कड़ा तो प्रेफर करते ही हैं पर यहाँ पर डिजाइन कितनी सुंदर है। वैरायटी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो जरा ये नजर डालिए। एक नहीं दो नहीं बल्कि मैं आपको बहुत सारे डिजाइन दिखाती हूँ। सभी की खूबसूरती अपने आप में बेहद अलग है, अपने आप में बेहद खास है। आपसे विभोर जी जानना चाहेंगे बदलाव या कितना चेंजेस देखा जा रहा है चॉइस में, पसंद में कितनी ज्यादा चेंजेस देखी जा रही है। देखिए अगर मैं पर्टिकुलरली ज्वेलरी के बारे में बात करता हूँ तो इसमें कॉम्बिनेशन चलता है हमारा ट्रेडिशन का भी और हमारे नए डिज़ाइंस का भी, तो इसमें दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो जो हमारे बड़े लोग हैं वो आज भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी ही प्रेफर करते हैं और जो हमारी यंग जनरेशन है वो मॉडर्न डिज़ाइंस। सबसे पहले यंग जनरेशन की बात कर ले तो उनके लिए क्या कुछ स्पेशल है, क्या कुछ यूनिक है आपके पास? जैसे यंग जनरेशन है वो लाइट प्रेफर करते हैं, जैसे इस टाइप का ब्रेसलेट्स जो आजकल चल रहे हैं फैशन में, इसमें हमने नेचुरल रूबी यूज़ करा है अगर आप इसको ध्यान से देखें, जिसकी बायबैक भी होती है। एक जो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है यंग जनरेशन में वो ये वाले ब्रेसलेट चल रहे हैं। इनकी खास बात क्या है कि ये चेन सिस्टम में है और इजी टू वेयर है और इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट आता है। मुझे लगता है ये मार्केट में न्यू है। ये बिल्कुल न्यू है और ये सिर्फ अभी हमारे पास अवेलेबल है पूरे मार्केट में। और वही तो यंग जनरेशन के साथ साथ यदि आप कभी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, साड़ी बहुत अच्छा हैवी सा कैरी करते हैं तो स्पेशली लेडीज़ जो होती है वो प्रेफर करती है एक हैवी सा कड़ा पहने। तो कड़े की बात करें तो मैं देख रही हूँ कि बहुत यूनिक डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल है, तो ऐसी डिज़ाइंस की कितनी डिमांड है? अलग अलग डिज़ाइंस की खूब डिमांड है। जैसे इसमें आप देखेंगे ये हमारा एंटीक कलेक्शन है, ये जितने भी आते हैं ये आते हैं हैंडमेड। और अगर हम मशीन मेड की बात करें तो उसमें ये वाला आता है हमारा जो डायमंड कटिंग होता है जिसको हम रोडियम पॉलिश बोलते हैं। तो ये लाइट वेट होते हैं, डेली वेयर के हिसाब से होते हैं। अगर हम पार्टी वेयर में जाएंगे तो कुछ एंटीक में। आपने कहा हैंडमेड और मशीन की, तो इसमें क्या डिफरेंसेस है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मुझे लगता है नहीं पता। हाँ, हैंडमेड और मशीन मेड का डिफरेंस बस ये होता है कि जो हमारा हैंडमेड होता है वो एक कारीगर अपने हाथ से बनाता है, तो उसमें डाई का वर्क होता है और जनरली ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे ऑन एन एवरेज 15 से 20 दिन उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा बनने में और हैवी होते हैं। और इन कंपैरिजन टू मशीन मेड होते हैं हमारे लाइट जो कि आज की CNC मशीन से बनते हैं और उसमें मैन का इंटरफेरेंस कम होता है, मशीन का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक ब्यूटीफुल सा कड़ा जो ये मेरे हाथ में है, ये हैंडमेड है। तो आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन कितनी सुंदर है, डिज़ाइन इसकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो मुझे लगता है कि शायद आप इसे एक नज़र में ही पसंद कर लेंगे। खैर ये तो हैंडमेड कड़े की बात हो गई, पर कई बार ऐसा होता है जब हम ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं तो हम ये डिमांड करते हैं कि भाई दिखने में हैवी होना चाहिए, प्राइस भी कम होना चाहिए पर दिखने में बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए। तो ऐसा क्या कुछ है आपके पास कड़े? ऐसे में फिर हम आपको कुछ सजेस्ट करेंगे, जैसे फिर ये वाले बैंगल्स हो गए, ये होते हैं हमारे हैंडमेड, लेकिन इनका वेट होता है काफ़ी लाइट। जैसे वेट है इसका 42 ग्राम लेकिन जो इसका लुक है वो है 60 ग्राम से करीब। तो इसका खासियत क्या है कि ये हॉलो होते हैं, इसमें पीछे प्लेटिंग नहीं होती
इस वजह से इसको लाइट बनाया जाता है। पर दिखने में बहुत ज़्यादा हैवी है, दिखने में बहुत ज़्यादा हैवी। और हैवी की बात हो रही है तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि हैवी सा बैंगल जो है ये मेरे हाथों में है, जो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी क्या खासियत है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, ये क्या हैंडमेड है? ये पर्टिकुलर काम है, ये हमारा बना है बैंगलोर में, ये वहीं की कारीगरी है। आप इसकी वर्कमैनशिप देखेंगे, इसकी कार्विंग देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है इन सारे बैंगल्स में। और इसका प्रोडक्शन टाइम लगभग 30 से 40 दिन में हुआ है। इसी के साथ यदि बात करें चार चूड़ियों के सेट की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चार चूड़ियों का भी सेट मांगते हैं, तो क्या कुछ उसमें स्पेशल और क्या कुछ खास है? देखिए, चार हमारी चलती है नॉर्मल डे टू डे वेयर में, जो जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपने डेली वेयर के हिसाब से चार चूड़ियाँ प्रेफर करती हैं। उसमें जैसा हमारा जड़ाऊ आता है, ये हमेशा से चलता आ रहा है और सदाबहार वाला प्रोडक्ट है। कहते हैं रिंग्स एक लव स्टेटमेंट भी है, पर ये लव स्टेटमेंट धीरे धीरे फैशन में इतना ज़्यादा बदलाव कर चुका है कि आजकल मार्केट में रिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा वैरायटी आ रही है और ट्रेंड भी बदल चुका है। पहले लोग छोटे छोटे रिंग्स पहनते थे, पर आज देखिए आजकल इतने बड़े बड़े रिंग्स जो है मार्केट में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप बस एक रिंग पहन लेंगे तो आपको बाकी की उंगलियों में रिंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मेरे हाथ में है रिंग, ये आप देखिए, ये बेहद ही प्यारा लग रहा है। पर्ल के साथ ये जड़ा हुआ डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, जो आपके पूरे फैशन को कंप्लीट कर सकता है। पर यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ऐसे कई रिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। डिजाइंस में कोई भी कमी नहीं है, डिजाइंस की भरमार है यहाँ पे। आप देख सकते हैं डिजाइंस और वैरायटी में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और खास बात यह है कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े रिंग्स को प्रेफर नहीं करना चाहते, पर ये जो मैंने आपको डिजाइन दिखाया उसी का एक छोटा सा डिजाइन दिखाना चाहूंगी। उसी डिजाइन में ये छोटा सा एक रिंग है, जो भी बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि रिंग एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप कहीं भी जाते हैं कैरी कर सकते हैं, फैशन हो या फिर आप किसी शादी में जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हो, रिंग जो है वो आपके हाथ की खूबसूरती को बढ़ाता है। और प्यार का भी स्टेटमेंट कहा जाता है रिंग्स। एंगेजमेंट में आप एक दूसरे को पहना के अपने रिश्ते को भी मजबूत कर सकते हो। पर त्यौहार है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल में रिंग्स भी लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे को देते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो प्यार के इजहार के साथ साथ आजकल फैशन में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बड़ा बड़ा रिंग पहने, जिससे उनका जो पूरा फिंगर्स है वो कवर हो जाए। तो मैं आपको एक और डिज़ाइन दिखाना चाहूँगी, एक बड़ा सा रिंग, जिससे आप यदि पहनेंगे तो आपके सारे फिंगर्स को ये रिंग जो है वो कवर कर लेगा। यदि फैशन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, शायद ऐसे डिज़ाइन आप कहीं नहीं देखी होंगी, तो आप ज़रा देखिए, ये एक ऐसी डिज़ाइन है जिसे बस एक नज़र में ही आप पसंद कर सकते हैं। वैरायटी की भरमार है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी वैरायटी है जो आप देख सकते हैं। यूनिक और एक एंटिक पीस ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसी भी चीज़ें लोग पसंद करते हैं। जितने लोग पार्टी वेयर रिंग पहनते हैं वो लोगों की डिमांड होती है, जैसे कि ये मान लीजिएगा 100 में 10% तो लोग डिमांड रहती है। तो जैसे ये राजा महाराजाओं के टाइम से फैशन चला आ रहा है। ये आपका पर्ल लगा हुआ है, ये रूबी लगा हुआ है, ये अम्ब्रेल लगा हुआ है, इसको जड़ाऊ पैटर्न बोलते हैं। ये भी डिजाइन डिफरेंट है थोड़ा, इसमें जो ये स्टोन लगे हुए हैं नॉर्मल ही स्टोन है, लेकिन कलर्ड स्टोन लगा हुआ है इसमें, बेसिकली इसको सरोस्की बोलते हैं। ये आपकी टेंपल ज्वेलरी बोली जाती है, जो भी रिंग बनी है इसमें ऐसे गॉड फिगर ही आते हैं ज़्यादा टेंपल में, वो ये टेंपल ज्वेलरी है, टेंपल की रिंग। तो आपने देखा है कि फैशन में बदलाव आ रहा है, लोग बड़े बड़े रिंग्स की डिमांड कर रहे हैं, पर छोटी और पतली डिज़ाइन की रिंग एक ऐसी रिंग होती है जो हर उम्र के लोग पहनते हैं, यंगस्टर्स पहनते हैं। और उसी के साथ मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि यहाँ पे पतले और छोटे छोटे डिज़ाइंस में भी रिंग्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पतले पतले डिज़ाइन की बात करूँ तो ये ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगी मीनी के साथ। ये छोटा सा हल्का सा एक ऐसा रिंग है जो आप डेली वेयर में कैरी कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी पहन सकते हैं। डेली वेयर में आप इसे भी कैरी कर सकते हैं। पार्टी वेयर के साथ साथ ये हल्के रिंग्स, इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है? ये तो ऑलमोस्ट चल ही रही हैं सारी, जितना जो आपका है डेली वेयरिंग के हिसाब से लोग डेली पहन यूज करने के लिए यही ले रहे हैं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, और फेस्टिवल हो ऐसे में यदि आप एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहते हैं, रिंग्स देना चाहते हैं, बजट के अंदर देना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि ये जो हल्के हल्के रिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं, इसे आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। और वैरायटी इसमें कभी भी कम नहीं देखने को मिलती, डिज़ाइंस इसमें कभी भी कम देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पतले रिंग ज़रूर होते हैं पर इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है, बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं जो आप कभी भी किसी भी वक्त कैरी कर सकते हैं। फैशन की जब भी बात आती है तो हर कोई सबसे पहले ये सोचता है कि भाई किसी भी ड्रेस में हम उसकी मैचिंग का कौन सा एक्सेसरीज पहने, कौन सी ज्वेलरी पहने, और गोल्ड में ही वो ज्वेलरी आपको मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। टाइम बदल गया है, वक्त बदल गया है, गोल्ड के साथ साथ आपके ड्रेस के कलर की मैचिंग ज्वेलरी भी आजकल मार्केट में मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कानों में पहना है अपने ड्रेस के मैचिंग कलर का, यानी कि ब्लू कलर का एक बेहद ही खूबसूरत सा इयररिंग। ये इयररिंग देख के किसी भी एंगल से फिलहाल ये तो नहीं लग रहा होगा आपको कि ये गोल्ड है, पर इसकी जो क्वालिटी है वो मैं आपको बता दूं कि ये पोलकी में है और ये बहुत ही सुंदर है। शायद आप भी मांग के जाएंगे अपनी मैचिंग किसी भी कॉस्ट्यूम का, कुछ भी आप इयररिंग खरीदना चाहेंगे, तो यदि ऐसी इयररिंग आपको मिल जाएगी तो मुझे लगता है आप एक बार में ही उसे पसंद कर लेंगे। पोलकी का फैशन चल रहा है मार्केट्स में, गोल्ड के साथ साथ पोलकी के इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैंने तो बहुत ही खूबसूरत कलर का यानी कि ब्लू कलर का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का पोलकी पहन रखा है। मैं आपको ये ज़रा दिखाऊंगी, ये एक पोलकी में रेड पिंक और कुंदन के साथ ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इयररिंग का सेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इयररिंग्स की बात हो रही है तो चलिए आपको कुछ और डिज़ाइन दिखाती हूँ। गोल्ड सोना कितना सोना है हमारे कार्यक्रम का भी नाम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई सच में सोना कितना ही ज़्यादा सोना है। सोना इतना सुंदर है कि आप इसे एक नज़र में पसंद कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इयररिंग, ज़रा देखिए ये इयररिंग कितना ब्यूटीफुल है, कितना खूबसूरत है। आप इसे साड़ी में, लहंगे में, किसी में भी कैरी कर सकते हैं। और जब गोल्ड की बात आती है तो गोल्ड में डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल मिल रहे हैं। झुमके में डिज़ाइन में आपको दिखाना चाहूँगी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा झुमका, बहुत ज़्यादा वेटेड नहीं है पर इसका डिज़ाइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और झुमके में ये जो लरियाँ होती हैं वो अपने आप में जान डाल देती हैं, अपने आप में खूबसूरत लगती है। कुछ एंटिक दिखाती हूँ आपको, और वैसे भी कहा जाता है कि एंटिक का ज़माना है आजकल, भाई हर कोई जो है वो एंटिक चीज़ें लेना पसंद करता है, हर कोई जो है वो चाहता है कुछ एंटिक पहने, कुछ यूनिक पहने, कुछ अलग पहने और सबसे अलग दिखे। तो यदि आप इस फेस्टिवल में यदि ऐसे इयररिंग्स को पहनेंगे तो आप नो डाउट बहुत सुंदर लगेंगे, क्योंकि ये जो मेरे हाथ में मीना के साथ एंटिक इयररिंग है ये डिज़ाइन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और एंटिक की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको टेम्पल में एक एंटिक पीस दिखाती हूँ। ये देखिए मार्केट में ऐसी भी डिज़ाइन के इयररिंग मिल रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं ना? तो देखिए आप भी घर से बाहर निकलिए, अपने फेस्टिवल को खूबसूरत बनाइए, रंगीन बनाइए, क्योंकि हम क्या करते हैं फेस्टिवल में, सजते हैं, सवरते हैं, तैयार होते हैं और चाहते हैं कि उस दिन हम सबसे सुंदर दिखें, सबसे अलग दिखें। और वैसे भी त्यौहार है और त्यौहारों में जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और झुमके ज्वेलरी में यदि मैं इयररिंग्स की बात कर रही हूँ तो झुमका एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हर वक्त पसंद आता है लोगों को। तो झुमके में हम आपको दिखाना चाहूँगी ये बहुत ही खूबसूरत सा झुमका का सेट जो कि बहुत ही सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ कि पर्ल का एक खूबसूरत सा इयररिंग, जी हाँ ये एक ऐसा इयररिंग है जिसे आप देख के बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहेंगे। और शायद ये ऐसे डिज़ाइंस मार्केट में आजकल आ रहे हैं जिसे एक नज़र में ही आप पसंद कर सकते हैं। तो भाई ये देखिए कि ये कितना सुंदर लग रहा है। पर्ल एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी भी किसी भी कॉस्ट्यूम के साथ कैरी कर सकते हैं, किसी के साथ भी पहन सकते हैं। पर्ल के साथ साथ कुंदन, कुंदन भी आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में चल रहा है, तो कुंदन का एक इयररिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुंदन का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इयररिंग है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यदि आप इसे अपने कानों में पहनेंगे तो भाई नो डाउट बहुत अलग लगेंगे। तो ज्वेलरी की डिमांड फेस्टिवल्स में होती है और ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती भी है, और वैसे भी फेस्टिवल्स हैं तो फेस्टिवल्स में सोने चांदी के भाव में गिरावट, कभी दामों में बढ़ोतरी देखी जाती है, पर डिज़ाइन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा
ले रहे हैं। मैं इस वक्त मार्केट में हूँ, मैं इस वक्त ज्वेलरी शॉप में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ कितनी ज़्यादा है। लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग के साथ साथ लोगों की ये डिमांड भी होती है कि भाई मुझे अपनी वैरायटी की चीज़ें दिखाइए, यानी कि मुझे अपनी पसंद की चीज़ें दिखाइए। तो लोग अपने पसंद के हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आके सोना खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं ज्वेलरी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन में भी रहते हैं, क्योंकि एक बार वो लोग पैसा लगाते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि वो एक बार में जो चीज़ें हैं वो अच्छी खरीदें, क्योंकि भाई सोना तो भाई सोना ही है। तो ऐसे में आप कुछ भी खरीदते हैं तो सोच समझ के ही खरीदें, पर डिज़ाइंस हम कभी भी कुछ भी खरीदते हैं तो मन में यही आता है कि भाई एक नज़र में पसंद आ जाना चाहिए, क्योंकि हम पैसे भी लगाते हैं। पर आप यदि मार्केट तक आएंगे, डिज़ाइंस देखेंगे तो आपको सचमुच एक नज़र में ही ये चीज़ें पसंद आ जाएंगी, क्योंकि डिज़ाइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मार्केट में मिल रही है। सोना कितना सोना है ना, वाकई सोना बहुत ही सोना है। पर सोने के साथ यदि आपको हीरे यानी कि डायमंड का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो भाई आपकी तो फेस्टिवल बहुत अच्छे से जाएगी, क्योंकि हम इस त्यौहार का इसलिए इंतज़ार करते हैं क्योंकि हम कुछ स्पेशल खरीदे और त्यौहार में सबसे अलग और सबसे सुंदर नजर आए। बहुत ही खूबसूरत सा एक सेट जो कि डायमंड का है, आप देखिए कि इसमें डायमंड की कितनी बारीकी के साथ यहाँ पे काम किया गया है। इसके साथ इयर रिंग का भी सेट है। तो डायमंड की जो खूबसूरती होती है वो अपने आप में अलग होती है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होती है। तो मैं आपको पूरा का पूरा भरा हुआ डायमंड का एक ब्यूटीफुल सा सेट दिखाना चाहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए, ये एक ऐसा सेट है जो आप यदि एक बार खरीद लेंगी तो आप, मुझे लगता है कि आप लाइफ टाइम इसे याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप इसे कहीं भी पहने, किसी भी पार्टी में पहने, किसी भी फेस्टिवल में पहने और क्यों ना आप दिवाली में पहने, तो मुझे लगता है कि आप सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखेंगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट है, डायमंड का सेट है। पर डायमंड के सेट के साथ साथ हम यदि डायमंड की कुछ और चीज़ों की बात करें तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि इयररिंग्स के भी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं। तो ये आपको मैं एक पर्ल के साथ एक डिज़ाइन दिखाती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो पर्ल के साथ, मीना के साथ डायमंड लगा हुआ ये इयररिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो यदि आप इसे पहनेंगी तो नो डाउट आप बहुत ही खूबसूरत लगने वाली हैं। अब आपको दिखाते हैं गोल्ड के साथ साथ डायमंड लगा हुआ ब्यूटीफुल से बैंगल्स। तो ज़रा देखिए कि यहाँ पे बहुत ही सारे बैंगल्स की वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन है। भाई सोना वाकई में बहुत ही ज़्यादा सोना है। और मैं आपको बाकी के बैंगल्स दिखाऊं उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो पहन रखा है। ये देखिए, एक सिंगल सा कड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसको इंडियन वेयर में, वेस्टर्न वेयर में किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, जो कि नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरह कि डायमंड के साथ जो भी बैंगल्स आ रहे हैं गोल्ड के साथ, क्या इसकी डिमांड है मार्केट में, लोग कितना ज़्यादा इसे प्रेफर करते हैं? मैम एक्चुअली मार्केट के अंदर जितना भी डायमंड बिक रहा है वो लो कलर और क्लैरिटी का बिक रहा है। हमारी क्वालिटी है, हम जो टॉप कलर और टॉप क्वालिटी में ही डील करते हैं। हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डायमंड होगा, कलर जिसका स्टार्ट होता है D to Z होता है। हमारा जो डायमंड है वो डी कलर के अंदर है और क्लैरिटी VVS में हम यूज़ करते हैं। तो हमारे मार्केट से बिल्कुल हटकर है, तो हमारे पास डिमांड बहुत अच्छी आती है मार्केट के बारे में। इस बार क्या कुछ नया और क्या कुछ डिज़ाइंस में जो चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ नया आया है मार्केट में? नहीं, हमारे पास तो ये बहुत सारा, आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल लाइट वेट गोल्ड के साथ है डायमंड का डिज़ाइन, जो मार्केट में नहीं अवेलेबल होगा, हमारे पास ही मिलेगा। ये डिज़ाइन खुद का हमारा ब्रांडिंग का, हमारे जो डिज़ाइनर होते हैं उनका डिज़ाइन कर रहे हो डिज़ाइन है। ज़रा मैं भी देखना चाहूँगी और मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगी। ज़रा देखिए, बैंगल्स आप लेना चाहते हैं, पतले पतले, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बैंगल्स हैं जो आपको सारे कलर्स के साथ मिलेंगे। और ये आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, किसी के साथ भी पहन सकते हैं। नो डाउट बहुत ही प्यारा है, शायद मुझे लगता है आप एक बार ही देखेंगे तो आपको पसंद आ जाए। वैरायटी की बात हो रही है, डिमांड की बात हो रही है, तो कुछ यूनिक मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये दो कड़े जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटिक है और इसमें डायमंड लगा हुआ है, देखिए गोल्ड के साथ ये डायमंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल, ये जो मैंने पहना हुआ है इसकी मैं बात करूँ, इसकी क्या खासियत है और ऐसे कड़े को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है? क्योंकि नो डाउट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है और मुझे भी पहन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है और कैसे कारीगर बनाते हैं, कितनी मेहनत होती है?
इसको बनाने में मैम लगभग आपको एक महीने का समय लगता है, और इसकी खासियत यह है इसको रोज़ गोल्ड और प्लस वाइट के साथ बनाएगा। एक सिंगल कलर नहीं है गोल्ड का इसमें, आप देखेंगे तो इसमें वाइट फ्लावर भी आ रहे हैं और रोज़ गोल्ड फिनिश भी आ रही है, क्योंकि येलो गोल्ड ये पुराना ओल्ड फैशन हो चुका है, अब जो नेचुरल चल रहा है वो रेयर चल रहा है, ये आपका रोज़ गोल्ड और वाइट गोल्ड है। तो आपने देखा ना कि सोना वाकई में कितना सोना है। तो आप भी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में वैरायटी की कोई भी कमी नहीं है। दर्शकों, हम कभी भी मार्केट जाते हैं या कुछ खरीदने की प्लानिंग करते हैं तो बस ये लगता है कि भाई हम कुछ भी खरीदें वो हमें पसंद आना चाहिए। तो आप मार्केट में जब एक बार जाएंगे, मनोहर लाल ज्वेलर्स में जब आप एक बार जाएंगे, तो आपको इतनी खूबसूरत खूबसूरत वैरायटी के, इतने खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन की चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक बार में पसंद आ जाएगी। बहुत ही यूनिक होगा और क्वालिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा अलग होगी। तो आप भी अपने इस फेस्टिवल को रंगीन बनाइए, चमकता हुआ बनाइए और चमकता चमकता सोना खरीदिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। आप सभी को फेस्टिवल्स की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं पूजा, R9 TV दिल्ली।